दोस्तों, जैसा कि अभी आपने थंबनेल पर देखा होगा कि जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा थंडरस्टॉर्म वाला वीडियो है, इसको आप एक ही एप्लीकेशन यानी कि काइन मास्टर की मदद से बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है इतना भी खास नहीं है कि इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से एडिट किया जाए। पर्सनली मुझे खास नहीं लगा है, लेकिन अगर ये वीडियो आपके लिए खास है तो वीडियो ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए एंड जान लीजिए कि इस वीडियो को हमें किस तरह से एडिट करना है। तो चलते हैं अपनी फोन स्क्रीन की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि ट्रेंडिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। सो पढ़ते हैं आगे। दोस्तों, हम अपने काइन मास्टर में आ जाते हैं एंड यहाँ से क्रिएट न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रेशियो फर्स्ट वाली लेनी है 16.9 वाली एंड यहाँ से नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट करने के बाद आपको मीडिया के ऑप्शन पे जाना है एंड वो वीडियो ले लेना है जो आपने शूट किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आपको अपना बैकग्राउंड ग्रीन रखना है। कपड़ा यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड में, तो अगर आप इस तरह से वीडियो शूट करेंगे तो आपका वीडियो एकदम परफेक्ट बनेगा। यहाँ पर पहले मैंने बैकग्राउंड लेना है ये वाला एंड यहाँ से मैं ब्लैक वाला बैकग्राउंड ले लेती हूँ एंड यहाँ से टिक कर लेती हूँ। ओके, ये ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया एंड यहाँ से इसको बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, दोबारा से यहाँ लेयर के ऊपर जाना है एंड यहाँ से मीडिया के ऊपर जाना है एंड यहाँ से मैं एक वीडियो ले लेती हूँ और ग्रीन स्क्रीन वीडियो है तो आपको कुछ भी इस तरह का ग्रीन बैकग्राउंड रखना है। ओके, इसको हम इस तरह से फिट कर लेंगे स्क्रीन पर। ये बाद आपको क्या करना है, यहाँ से यानी कि आधे से इसको कट कर लेना है या इस वीडियो को भी कट कर लेना है एंड ऊपर जो बैकग्राउंड है उसको भी कट कर लेना है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, ये जो लेफ्ट साइड वाली वीडियो है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है क्रोमा की का। क्रोमा की के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 50% है तो आपको यहाँ पर 50% से इसको इस तरह से डार्क कर लेना है। डार्क करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलता है डिटेल कर्व का, तो डिटेल कर्व के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर कर्व को आपको इस वाले को ऊपर ले लेना है एंड इसको आपको नीचे कर लेना है इस तरह से, तो आपका जो वीडियो है उसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा इस तरह से। तो ये वाला जो बैकग्राउंड है ये ब्लैक हो गया है, यहाँ से आपको टिक कर लेना है। अब आपको ऊपर बैकग्राउंड में क्लिक करना है, यानी कि ब्लैक जो बैकग्राउंड हमने लिया था इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से कलर में जाएंगे एंड यहाँ से कोई सा भी कलर ले लेंगे। ओके, अब आप कलर लेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो इस तरह से चेंज हो जाता है। आप जो भी पसंद करेंगे वो बैकग्राउंड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पिंक ले रही हूँ। ओके, तो इस तरह से आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड वीडियो पे आना है, वीडियो के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ फिर से क्रोमा की पे जाएंगे एंड यहाँ से इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद आपको फिर से वैसे ही इसको ज़ीरो कर लेना है एंड यहाँ डिटेल कर्व के ऊपर जाना है एंड इसको इस तरह से ऊपर करना है एंड इसको इस तरह से नीचे कर देंगे। अब हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो चुका है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, वो जो थंडरस्टॉर्म वाला वीडियो है उसको ले लेना है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ मैं लेयर पे जाऊँगी, मीडिया पे जाऊँगी एंड यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करूँगी एंड यहाँ से थंडरस्टॉर्म वाला जो वीडियो है उसको ले लूँगी। ये वीडियो ले लिया, अब इसको हमें पूरी तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, ये जो थंडरस्टॉर्म वाला वीडियो है इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको 3 डॉट्स मिलते हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा सेंड टू बैक, तो सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे तो ये जो थंडरस्टॉर्म वाला वीडियो है ये जो लड़की है उसके बैकग्राउंड में गया। ओके, तो अब हमें यहाँ से इसको जितना चाहिए उतना रहने देना है एंड बाकी का क्लिप हम यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं। तो आपको यहाँ से सीजर के ऑप्शन पे जाना है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड करना है एंड ऊपर से जो ब्लैक बैकग्राउंड है उसको भी यहाँ से हम ट्रिम कर लेंगे। ओके, उसके बाद ये जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं थंडर स्टॉर्म जो है वो ब्लू कलर का है, तो आपके चेहरे पर भी ब्लूनेस दिखनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ आएंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, यहाँ सबसे नीचे ह्यू वाले ऑप्शन पे जाना है एंड इस तरह से आपको इसको आगे कर लेना है एंड जैसे ही आपको थोड़ा सा ब्लूनेस लगता है अपने वीडियो में इस तरह से हल्का सा, तो वहाँ पर आपको अपने वीडियो को
स्टॉप कर लेना है, यानी कि 160 आप रख सकते हैं, यहाँ पर 170 रख सकते हैं। ओके, जैसा आपको अपने वीडियो में अच्छा लगता है वैसा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 170 रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ओके, और यहाँ से टिक कर लेंगे। अब इस तरह से अगर आप लेफ़्ट वाली वीडियो को थोड़ा सा इसका जो ब्राइटनेस है बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एडजस्टमेंट में जाकर इसका जो ब्राइटनेस है उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं और यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो आपका इस तरह से वीडियो बनेगा। एंड उसके बाद हमें वो वाला ऑडियो लेना है जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो वो ऑडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद उसका जो ऑडियो है हमें एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए पहले हमें वीडियो को यहाँ पर लेना होगा, तो उसके लिए आपको लेयर के ऊपर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, ये वाला वीडियो, ओके। एंड यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, जैसे एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेना है। तो ये हमारा जो वीडियो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। एंड वीडियो को आपको यहाँ बिन के ऑप्शन पे जाके डिलीट कर लेना है। हो गया डिलीट, अब हमारा ऑडियो भी आ चुका है। एंड यहाँ से जितना एक्स्ट्रा ऑडियो है उसको वहाँ से कट कर लेना है। सो दोस्तों, आप इस तरह से इजीली इस वीडियो को बना सकते हैं। एंड अब जानते हैं कि यहाँ से आपको वीडियो को गैलरी में सेव कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है राइट हैंड कॉर्नर पे, एंड यहाँ एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ स्किप कर लेंगे, तो इस तरह से हमारा जो वीडियो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप इस तरह से इजीली बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।